हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्ट फॉरएवर। हमारा चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है, थैंक यू। सो आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू यू गाइस। और बात करें अगर आज की डेट की, तो हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, इंडिया बुल रियल इस्टेट से रिलेटेड। वो शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है और क्वेरीज भी आ रही है मेरे पास हमारे व्यूअर्स की कि इसे लेना चाहिए या कैसा स्टॉक्स है, तो उसी से रिलेटेड एक स्टडी करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली ये शेयर है क्या, करता क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, टेक्निकल क्या है। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों से भी कनेक्ट कराइए, अपने फ्रेंड्स से भी यहाँ पर कनेक्ट कराइए, उन्हें भी बताइए कि हमारे पास एक इस तरीके से हम यहाँ पर सीखते हैं। तो आप सीखेंगे, सीख के आप करेंगे तो अच्छा खासा आपको ज्ञान मिलेगा, ओके। और नॉलेज के बल पर आप कभी भी किसी भी सूरत हाल में अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, इन वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है और प्लेलिस्ट मैंने और इंक्रीज कर दी है, तो उन प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। और डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, सॉरी फाइनेंस की नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग ये वाला शेयर जो है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें रियल एस्टेट से, तो यहाँ देखिए कल की डेट में भी अगर हम बात करें 4% भागा है, इससे पहले 18% वन वीक में, वन मंथ में 45% के आसपास, थ्री मंथ्स में लगभग 114% यहाँ पर भाग चुका है, सिक्स मंथ की बात करें तो 116%, एक साल में 207% और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखे तो 48% तक भागा है। बट अगर चार साल में देखते हैं तो इसको पता चलेगा कि ये शेयर ऊपर से इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें जो कि आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3% 5 डेज में अच्छे खासे रिटर्न, 1 मंथ में यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न, 6 मंथ में यहाँ अच्छे खासे रिटर्न, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर में अच्छे खासे रिटर्न। तो इस तरीके से ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है, और इससे पहले जब ये लिस्ट हुआ था तो अच्छा खासा कितना 700-800 पे गया था, उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट है और बार बार यहाँ पर ऊपर ले जाके यहाँ पर डंप किया जाता है, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर डंप किया जाता है, फिर अगेन अगर बात करें तो ऊपर ले जाया जा रहा है इस शेयर को, और अगेन डंप किया जाएगा या क्या किया जाएगा, इट विल बी द टाइम विल डिसाइड। और अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देखिए ये जो शेयर है, ओके, यहाँ पर 46 रुपीज पर 4 नवंबर 2020 को वीक लो था, और हाई की बात करें 171 रुपीज जो कि अभी 23 जुलाई को था, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा हम बात करते हैं लगभग 77 लाख शेयर यहाँ पर 32-33% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। इसके अलावा और भी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ खास नहीं है, इस चीज को भी देखना पड़ेगा, 11.99% मतलब 11.9% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो कोई डिविडेंड नहीं दिया गया, तो यहाँ पर डिविडेंड भी की भी हिस्ट्री नहीं है, तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो देखिए कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, ये ठीक बात है। बट अगर बात करें 11% की हिस्सेदारी है, बाकी सारी की सारी हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। इसके अलावा और भी हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस कंपनी के से रिलेटेड को जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेड ऑपरेट्स एज अ रियल इस्टेट कंपनी इन इंडिया। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द परचेज सेल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एज वेल एज द अदर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोविजन ऑफ कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विस ऑफ द कंपनीज इंगेज इन द, मतलब अगर बात की जाए तो ये कंपनी काम किस चीज में काम करती है, यहाँ पर रियल एस्टेट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में ऑलरेडी मार्केट में इतने दिग्गज प्लेयर है, ओके, जिनका चार्ट पैटर्न इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अगर हम बात करें इसका है, उसका चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है। जैसे कि आप अगर बात करें हम गोदरेज प्रॉपर्टीज, उनका चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, ओके। बट इस शेयर को अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग, जस्ट बिकॉज इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ओके। ये 43 रुपीज से चल रहा है और चल रहा है अभी 163 रुपीज पे आ गया है, ओके। मैं इसे 100 रुपीज से ट्रैक कर रहा हूँ, बीच में मैंने लिया भी था और यहाँ पर लेके इसे बेच भी दिया। तो अगर बात की जाए इस शेयर में, ये ट्रेडिंग पर्पज से शेयर है, इसे लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर इस शेयर को कभी भी आप बनाएंगे और खरीदने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट ट्रैप।
अगर बात करें यहाँ पर, आप ट्रैप हो जाएंगे, आप यहाँ पर फंस जाएंगे और फिर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इस तरीके की बुल रैली आएगी, एट दैट टाइम यू विल लाइक इस ट्रैप से यहाँ पर निकल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बुल रैली आई, फिर यहाँ पर एक फंस गए, ओके। यहाँ पर अगर बात करें, अभी दोबारा बुल रैली आ रही है, तो इस तरीके से ये शेयर इस तरीके से भाग रहा है, तो आपको इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर देखें, शैल बी ओन 44.9% बाय एम्बेसी ग्रुप, 26% बाय एग्जिस्टिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन शेयर, जो कि हम अभी देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा इनकी वेबसाइट छोड़ते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इनके, अगर हम देखते हैं यहाँ पर इनके कुछ फाइनेंशियल्स, देखिए मार्केट कैप यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है 7736, जिस तरीके शेयर भागा है तो इसलिए मार्केट कैप भी भाग रहा है। बुक वैल्यू थी इसकी 139, उससे ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस आउट कर चुका है, यहाँ पर और ज्यादा ऊपर जा चुका है। इससे जब ये 100 रुपीज के आसपास था, जब नीचे था उस टाइम इट वॉज अट्रैक्टिव बिकॉज यहाँ पर बुक वैल्यू से नीचे चल रहा था। डेट की बात करें, डेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, 6% तक का डेट है, इट्स फाइन, ओके। आर ओ सी कोई बेहतर नहीं है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एज वेल एज बात करें, कुछ शेयर में इतना खासा दम लग नहीं रहा है, बट अगर हम इसके फाइनेंस देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देख लीजिए, ओके। आपको यहाँ पर शेयर को खरीदना था तो इसलिए इसके अगर हम देखते हैं रिजल्ट, तो देखिए सेल 2012 क्वार्टर की यहाँ पर 4 करोड़, फिर 102, 4 करोड़, 5 करोड़, 17 करोड़, फिर घाटे में, फिर 137 करोड़, फिर 214 करोड़, फिर घाटे में, घाटे में, घाटे में, और फिर 596 करोड़। तो ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे को नहीं लगता आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जस्ट बिकॉज की शेयर यहाँ पर बहुत ज्यादा भाग रहा है। 64 रुपए से लाइक 43 रुपीज से 164 रुपीज पे यहाँ पर भाग चुका है। तो ये ट्रेडिंग स्टॉक है, ऑपरेटर्स इसमें हावी रहते हैं और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स है वो भाग रहे हैं। तो या तो आप अच्छे शेयरों में बने रहिए, और हमारी जो स्टडी है हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको कैसे शेयरों में रहना है। आपको रहना फंडामेंटल स्टॉक शेयर में, आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है फंडामेंटल स्टॉक शेयर में, ओके। अगर रैली के साथ भागोगे तो शायद आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा गेन मिल जाए, बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फंसने की चांसेस रहते हैं, फिर यहाँ पर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं, फिर यहाँ पर आपके जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे आ जाता है यहाँ पर शेयर। इसके अलावा हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, वो भी अभी देखिए घाटे में ही चल रहा है, बेशक से घाटा कम होता हुआ जा रहा है, बट अच्छी बात है, बट स्टिल अगर हम देखें कंपनी का भी पॉजिटिव थी, अभी घाटे में चल रही है और अच्छे खासे घाटे में चल रही है। ईयरली बेसिस पर भी अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, वो भी आपके सामने 34, 159, 143, 355। इस शेयर को मैं अगर अच्छा शेयर होता तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो पहले आ चुकी होती और आपको बता देता, बट अभी जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं लोगों के कि ये इस शेयर को इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे, कहाँ कभी पॉजिटिव हुआ करता था, यहाँ पर एक अच्छा खासा शेयर चल रहा था, बट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस कम हुई और यहाँ पर कंपनी घाटे में जाने लग गई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको ये दिख रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दिख रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर अदर इनकम ज्यादा है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स इनके पास अच्छे खासे 6,232 करोड़ रुपीज के, इन्होंने अभी बोरिंग कम करी है, 403 करोड़ की बोरिंग लगी है। ये दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स, ओके। दीज आर सम प्रोज। अगर बात करें यहाँ पर और भी चीज की, तो यहाँ पर देखिए इनके यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा नहीं है, फिक्स एसेट इनके पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट देखिए 3,793 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, बस जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे पैसे आ रहे हैं, वो अदर इनकम में एड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट अप डाउन हो रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें इनके यहाँ पर लोन्स यहाँ पर कम हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, कैश इक्विवेलेंट 60 करोड़ रुपीज का है। कैश की बात करें, यहाँ पर कैश घाटे में ही यहाँ पर रहता है मोस्टली, आर ओ सी कुछ बेहतर नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 11.99% की है, वो हिस्सेदारी अपनी कम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे शेयर भाग रहा है, वो अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। एफ आई एस की बात करें, एफ आई एस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एफ आई एस यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, बट स्टिल यहाँ पर कुछ भी आपको फायदा नहीं रहेगा। डी आई एस की बात करें, डी आई एस यहाँ पर है बट थोड़े से है, ना के बराबर। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के शेयर देखिए 35% से लेके पहले 50 की है, फिर 55, 57, 61, 65, 69, 69, 70, इस तरीके से यहाँ पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर बात करें 60-70% में से भी अगर यहाँ पर घटा देते हैं 14, यहाँ पर 2, 16, 17, 18, 19, और यहाँ पर देखिए 22% की हिस्सेदारी भी घटा देते हैं, स्टिल यहाँ पर पब्लिक के पास ज्यादा है। और जिस दिन यहाँ पर ऑपरेटर अभी जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिस दिन यहाँ पर ये फंसने के चांसेस हुए तो आप निकल नहीं पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, तो देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने है, ओके। जब कंपनी बिजनेस कर रही थी 2017 में, जो कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2017 में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाते हैं,
2017 में भी यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, स्टिल यहाँ पर शेयर प्राइस यहाँ पर हाई था, और अभी तो यहाँ पर सेल्स भी इनकी ना के बराबर 6 करोड़ रुपए की सेल्स है। तो यहाँ पर स्टिल यहाँ पर इनके आसपास यहाँ पर शेयर पहुंच गया, तो मतलब ये शेयर को कभी भी डम कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, अगर हम देखें यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना जो इसने ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर चला गया। ये ब्रेकआउट ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से ट्रैप करना है। यहाँ पर ऑल यहाँ अगर बात करें ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट 52 वीक हाई चल रहा है और ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है। ये शेयर कभी भी आपको ट्रैप कर सकता है। एज वेल एज अगर बात करें RSI तो RSI देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रही है, 78-80% के RSI पे चल रहा है, ओवरबॉट शेयर चल रहा है। ओके, बेशक से यहाँ पर वॉल्यूम है बट यहाँ पर अभी ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। न्यूज पे यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा शेयर दिखाए जाते हैं ये वाले छोटे छोटे शेयर, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। देखिए मार्केट बहुत तेजी से भाग रही है। ओके, सम पीपल आर नॉट गेटिंग सम इंटरेस्ट इन इनकम, इवन मी इंक्लूडिंग मी अगर बात करें, मैंने भी कोई अच्छा खासा यहाँ से पैसा नहीं कमाया, बट जो भी कमाया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी कमाया है, और इस स्टडी के बेसिस पे जब ये बुल मार्केट खत्म हो जाएगी ना, तो हम ऐसा पैसा जो अभी कमा रहे हैं ना, चाहे हमने 20% कमाया, चाहे हमने 30, चाहे हमने 40, ओके, बट हम पीछे भी नहीं है और हम आगे भी नहीं है। हम वी आर नॉट गेटिंग 100%। हमारे दो तीन शेयर है जो कि अगर बात करें 300-350% के हमें गेन दे रहे हैं, बट स्टिल अगर हम बात करें हमने इतना कुछ अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से अभी नहीं कमाया बुल मार्केट में, बट हम जब बुल मार्केट खत्म हो जाएगी ना तब भी हम यहाँ पर पैसा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? क्योंकि हम वी आर इन्वेस्टिंग और वी आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग इन अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, जहाँ पर हम ट्रैप नहीं हो सकते। ओके, जहाँ पर हमने अच्छे अच्छे शेयर आरती सर्फेक्टेंट एज वेल एज आरती इंडस्ट्रीज, ओके, दीपक नाइट्रेट, अगर हम बात करें और भी बेहतरीन शेयर हैप्पीएस्ट माइंड, माइंड ट्री एज वेल एज परसिस्टेंट सिस्टम, इस तरीके के शेयर में हम बने हुए हैं। कभी मार्केट आगे गिरती भी है शेयरों पर ना के बराबर असर आएगा और उनके रिजल्ट काफी बेहतरीन है। यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ट्रैप होना एक बेवकूफी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस यहाँ पर अभी ऑलरेडी यहाँ पर अगर बात करूं 52 वीक हाई पे चला गया, ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है और यहाँ पर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर छोटा शेयर था इसलिए यहाँ पर लोग भगाए जा रहे थे, क्योंकि ऑपरेटर को ही पता है इसे शेयर को भगाऊंगा तो इस तरीके से यहाँ पर फंस सकते हैं। तो जिन्होंने भी हमसे क्वेरी पूछी थी, थैंक यू सो मच क्वेरी पूछने के लिए और यहाँ पर हमारा सपोर्ट करने के लिए। इस तरीके की न्यूज़ से आपको भी एक फायदा होगा एज वेल एज हमें भी फायदा होगा और हमारे व्यूअर्स को भी। सो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपनी फंडामेंटल स्टडी एज वेल एज अपनी खुद की ड्यू डिलीजेंस करके यहाँ पर पोजिशन लेनी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पर इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे, इस तरीके की नॉलेज मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस।